लेकिन 4 दिन बाद जो थे वो बात में नहीं आ रहे। तो हमारे काम जैसे अकाउंटेंट जिससे उन्होंने पहले बात की, हमारा काम ये हम एडवाइस करते हैं लोगों को ना, जितने अच्छे एडवाइस हम करेंगे जितना हमारा क्लाइंट ग्रो करेगा उतना हम ग्रो करेंगे लॉन्ग टर्म में। तो ये नहीं हमें शॉर्ट टर्म में सोचा। तो स्ट्रक्चर होते हैं आपकी और फिर उसकी रजिस्ट्रेशन एवियन वगैरह उस पर लेना होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। और जो उम्र मैंने बात की है अच्छी टीम होनी चाहिए आपके पास, अच्छा अकाउंटेंट होना चाहिए, अच्छा द्वारा अच्छा आइडिया बनना चाहिए, तब आप इसमें थोड़ा सा जो बहुत सारे लोगों को अक्सर शौक होता है कि आप लोगों को थोड़ी सी राय देते, रीजन में राय क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ है हमारे दोस्त के साथ, और वो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ लोगों को सिर्फ बताने के। वो एक कैमरा में मेरे साथ एक है कि घोड़ा रहता था फ्री था, और उसके सुपर लिमिटेड में टोटल 25,000 रुपये। कहीं से उसने जो है कि कुछ इसको एक लिंक मिला, मेरे पास आया कि मेरे को जो है कि ट्रेनिंग करनी है, $4,000-5,000 से मेरे मैं सुपर में 5,000 दे के वो ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और उसने मुझे बोला कि आज जो है कि आप है मेरे ट्रेनिंग बंद हो जाए, तो मतलब कि वो कुछ बंद नहीं हो जाए तो उसको बोलो कि मंडे को दे दो, वो दे देगा। उसने क्या वो $4,000 उस बंदे ने वहाँ पर ट्रेनिंग करा है। उसके बाद उसने पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस जगह के अमेरिका में रजिस्ट्रेशन करवाई, और एंड रिजल्ट ये निकला कि बाकी जो 15,000 या 20,000 क्या चीज़ें थी अपने माइंड सेट से समझे कि मेरे को ये चीज़ें पसंद है, मैं ये चीज़ें वहाँ पर बेचूँगा। कुत्तों के गले में डालने वाले पट्टे जो है कि मैं इसे बन रहा ठीक है ना, एंड रिजल्ट ये है $25,000 को साथ देते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम जो आती है ना, इसी वजह से अक्सर लोग पूछते हैं अमेजोन के हमारे से सीधे सीधे बात करता हूँ कि जब तक आपकी प्रोडक्ट की रिसर्च ना हो कि आप क्या चीज़ बेचना चाहते हैं कैसे बेचेंगे, तब तक जो है कि इसके अंदर हम तो उस पर मैं चाह रहा था थोड़ी सी लोगों को एडवाइस मिले कि आप मेरा वो ग्रुप भी आपका इतना कर रहे हैं, ग्रुप रन करता हूँ अमेजोन का ना व्हाट्सएप पर, वो मैंने ग्रुप इससे बनाया था। मुझे जब लोगों ने सुना कि यार वो आपने उस सोर्स की क्या इंटीग्रिटी है, वो प्रॉपर जो आपने माल ऑर्डर किया वही आपको माल आ जाएगा। और फिर अमेजोन इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड, आप ये आइटम बेच रहे हैं, आपका आइटम तो आ रहा है 16 पेज पर, पहले पेज पर लाने के लिए उसको जितनी मार्केटिंग करनी पड़ती है वो एक अलग कॉस्ट है, और फिर वो की वगैरह देने पड़ते हैं आपको, सारा कुछ देना पड़ता है उसको, फिर अकाउंटिंग कैप्चर करना भी वो अलग टेक्निक है उसकी बिल्कुल ना, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड से आप दे रहे होते हैं लोगों को क्या भैया रिव्यू डाल देना, रिव्यू डाल मेरा अपना उसको परचेज कर लेना, मैं आपको बैक एंड देना वो आपको रिटर्न कर दूँगी, सब तरह ऑर्डर दोनों कर। तो ये सारी चीज़ें इसको तो वही वाली बात है कि बेसिस वही आज बिजनेस की है। बिजनेस में आप पहले बात तो पैशन हो, और मैं चल रहा हूँ अमेजोन में अकाउंट में मुझे पता है कुछ नहीं है, चलो मैं चला नहीं गया ना मैंने, तो जब मुझे झटका लगा पहले 25,000 काफ़ी हो गया। मैं ऐड करना चाहूँगा ऐसा, पहले मैंने अमेजोन पर काम स्टार्ट किया था विदाउट एनी यूजिंग एनी टूल्स इमोशनली, कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, मैंने वो प्रोडक्ट चाइना से उठा ली और अमेरिका में अमेजोन में वो चली गई, 7 महीने वो प्रोडक्ट पड़ी रही और वो प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही थी, और अल्टीमेटली फिर मुझे वो प्रोडक्ट अमेजोन से निकलवानी पड़ी, उसको डिस्कार्ड करनी पड़ी, उसमें मैंने $20,000 लूज किया है। लेकिन फिर मैं पैशन इतना था उस काम का कि अभी भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद स्क्रैच से स्टार्ट किया और सीखा कि क्या टूल्स हैं, क्या पीछे एनालिसिस होता है, किस तरह से जो काम चलता है, तो उसके बावजूद जो लॉस था वो अभी पार कराया मैं कहूँगा, क्योंकि अमेजोन पर ये नहीं है कि एक ही रात के अंदर आप जो है वो 5,000 या 6,000 कमा लो, बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है $3,000 की, $4,000 की, इसमें कुछ भी नहीं पता और अपनी आप खुद किस मेथड से काम करें, और सेकंडली आप लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे, प्राइवेट लेबलिंग या जेनेरिक प्रोडक्ट्स?
सबसे पहले यह है कि अगर आपने स्टार्ट में काम स्टार्ट करना है तो कौन सी मार्केट में काम किया जाए। अमेरिका की मार्केट बहुत ज़्यादा हॉट है अमेजोन के लिए, लेकिन अगर आप अमेरिका के मार्केट में जाते हैं तो उसकी रीच थोड़ी मुश्किल है, और सेकेंडली अमेरिका के अंदर जो अमेजोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, तो उसके अंदर अगर आप प्राइवेट लेवल पर जाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा उसमें चाहिए होगी, कम से कम 25 से 30 हज़ार $25,000 चाहिए। तो आपके लिए सेफ सेट ये होता है कि आप होलसेल मॉडल है जिसके थ्रू आप अमेजोन USA के अंदर स्टार्ट करें, जिसमें आप 3 से 4 हज़ार $ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सेफ ऑप्शन है, क्योंकि तकरीबन आपको 6 महीने से 1 साल लगेगा सारा सीखने के अंदर के काम अमेजोन पे हो कैसे रहा है, और उसके बाद आप इवेंचुअली स्विच कर सकते हैं होलसेल से प्राइवेट लेबल के अंदर। दूसरे ऑप्शन ये है कि अगर आप प्राइवेट लेबल ही करना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के मार्केट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में ईबे ऊपर है अमेजोन से अगर सेल्स शेयर्स के लिहाज से देखा जाए, लेकिन अगर कोई प्राइवेट लेबल करना चाह रहा है तो अमेजोन ऑस्ट्रेलिया ज़रूर हो, इसमें आप $5,000 से अच्छी स्टार्ट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, मैं अभी आज की मैं आपको 20 करोड़ की रिसर्च कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन जो अमेजोन है उस पे जो आपके ज़्यादा टूल्स हैं वो ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है, इतना डाटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि इट्स प्रीटी मच फ्रेश मार्केट। तो वॉल्यूम वाइज आप क्या कह रहे हैं कि इतना वॉल्यूम है कि अगर आप स्टार्ट करें वहाँ पे हाउ लॉन्ग शुड यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स टू किक इन? एटलीस्ट 1 ईयर लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो बिहेवियर होता है कंज्यूमर का, इज इट सिमिलर टू द ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल? अब मैं क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आया था, मैंने जब स्वीट से जब भी स्टार्ट की, मैंने सबसे पहला स्टेप ये किया कि मैंने ये नहीं देखा अमेजोन पे क्या बेस्ट सेलर क्या चल रहा है, BSR इसका क्या है, ये कोई मैंने देखा, मैंने ये चीज़ देखी कि अगर मैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट में करूँ व्हाट आर ऑस्ट्रेलियंस बाइंग ऑनलाइन, तो डू यू थिंक कि दिस ट्रेंड इज एप्लीकेबल ऑन अमेजोन एंड दीस प्लेटफॉर्म? डेफिनेटली हो रहा है। देखिए हर तरह की कैटेगरी है और हर तरह की कैटेगरी के अंदर जो कंज्यूमर्स का ट्रेंड है वो डिफरेंट है। मैं अगर एग्जाम्पल लूँ कि पेट सप्लाई की बात की जाए तो पेट सप्लाई USA के अंदर बिक रही है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिक रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू के जो लोग USA के अंदर जो है वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं तो 1 साल के अंदर ऑनलाइन जो सेल्स है उसके अंदर कंज्यूमर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन बढ़ने के साथ साथ जो मार्केट प्लेसेज है उनका कंट्रोल उनका चेक एंड बैलेंस सेलर के ऊपर भी ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा सब हो गया। तो आप ये थैंक यू के राजा थोड़ा साइड ट्रैक हो गया अभी थोड़ी देर में, अमेज़न के सारे जो है वो सारे खड़े हो गए कि भाई हमने भी अमेज़न के नाम लेना भाई, आप और भी बिजनेस वाले हो बस एक बार में जाके मैं खत्म करता हूं। मैं जी इसी पर इसी पे एक फीडबैक बस मैं देना चाह रहा था वही कि ये अमेज़न और ये सारी डिस्कशन को टाइम बैक अगर हम कर ले, आपने पैशन की बात की, मैं एक फेल्ड स्टार्टअप कर सकूँ तकरीबन 2 साल मैंने उस पर लगाया था, और इसी से रिलेटेड जो ई कॉम इंडस्ट्री बूम की है पिछले 2 साल में मैंने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ड्रॉप शिपिंग मेरे लिए बिल्कुल एक नया स्किल सेट था लर्न करने के लिए। तो पैशन ज़रूरी होता है बिल्कुल सही, स्पेशली स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अपनी स्किल सेट भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो नए सिरे से नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, उस स्किल्स सीखने की भी एक कॉस्ट होती है। तो वो मैंने तो इस 2 साल में ये 2 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये सीखा है, पैशन ठीक है ज़रूरी है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग पैशन है, रात को 3 बजे भी आप मुझे कॉल करेंगे और पूछेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आई रेडी टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे व्हेन यू आर विलिंग टू टेक एज लेस रिस्क एज पॉसिबल स्पेशली एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर बिजनेस। मतलब ये पैशन बहुत लोग इसका पैशन होता है ना, आप एक चीज़ों को चिंते होते हैं आपको कैसे करना पड़ता है, आपको लेट से आपको लगा करना है तो आप फिर अपने स्कूल में जाओ सीखोगे, आप अपना स्किल सेट डेफिनेटली चाहिए, अगर मुझे अकाउंटेंट बनना है तो मुझे सी ए बोर्ड करना है,
तो बंदा फिर जो है बात कर रहे हो तो बड़ा समझते पहचान है मेरे पैशन होता नहीं होता ना, उससे ये होता है कि हवा चल रही है सब लोग काम करें जल्दी कर लेता हूँ, जिससे पैशन होता है ना वो डेफिनेटली अपने आप अपने आपको हम पकड़ा अपना गेम पकड़ा। एक बार मैं बात काम करता हूँ कि जैसे मैं हूँ तो मेरे पास कहता है बिजनेस खोलते हैं भाई अपना, तो अब मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ टाइम नहीं है ना, देखिए आपके पास टाइम लिमिटेड हो, मैं एज ए इन्वेस्टर काम करता हूँ ना, मैं कहता हूँ अपना जो काम चल रहा है मैं यही मेरे खुल रहा है। अब मैं जो मेरे को आता है जैसे कंस्ट्रक्शन हमने प्रोजेक्ट किया था मेलबर्न में, हम पाँच दोस्तों ने मिलकर किया था, एक दोस्त ने उसको लीड किया, मैंने कहा था मैं टाइम दे सकता है मैं पैसे दे सकता हूँ आपको ना, तो अगर आपके पास टाइम कम होता है बाजू का और आप कहते हैं आपके पास स्किल सेट भी नहीं है और टाइम भी कम है तो आप देखें अगर शर्म था आपको बताया गया एक्सपर्ट है तो आप इनका कुछ उसका उनका फंड है कोई तो वहाँ पैसे लगा तो रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको ये पूछना है कि हर चीज़ का टाइमिंग मैं दिन का डिसीजन नहीं कर सकता, फैमिली भी है वर्क लाइफ बैलेंस है आपका एक जॉब है आप क्या मैं सारे काम कर लूँ खुद कर लूँ दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसका सही होता है कि आप देखें आप फिर आपने क्या करना आपने सही उन्हें देखना क्या उस फील्ड में वो बन जाए ऑनेस्ट है वहाँ कैसे लगा, तो ये भी एक अच्छा आइडिया होता है कि बार बार आप खुद ना करें किसी और पैसे लगा के ना आप कमाएं। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन है वो ये जो लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं उनसे एडवाइस चाहिए कि डायरेक्टली ई बे और अमेजोन पे जाया जाए या जैसे उन्होंने कहा पहले ड्रॉप शिपिंग करवाना चाहिए क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में तो इतनी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, आपको किसी किसी इन्वेस्टर का जो किसी आपके सप्लायर होते हैं उनके साथ आपने अपना स्टोर बनाना होता है, तो क्यों ना इसको पहले हम ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा एक्सप्लोर करें और फिर जंप करें अमेजोन और अगर आप इजाजत दें इसका लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि दो साल ये मिथ है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये बिजनेस मॉडल बड़ा अट्रैक्टिव है कि यार ये तो आपकी प्रोडक्ट्स को इन्वेंट्री आपने होल्ड करनी नहीं है और अपना बेचना है, लेकिन सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कॉस्ट आती है क्योंकि वही डिफाइन करती है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे। इसमें डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स हैं, उसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग चैनल्स हैं, SEO वगैरह है और पेड सोशल वगैरह है, तो ऑर्गेनिक करेंगे तो उसमें अगेन फिर टाइम लगेगा आपको तकरीबन 6 महीने से 1 साल तो आपको लगेगा, और खुद करेंगे अगर स्किल नहीं है तो स्किल सीखेंगे स्किल सीखने में भी टाइम लगेगा, पेड करेंगे तो पेड की कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड अपॉन के व्हाट नीश यू चूज टू। ये चीज उधर भी चाहिए ना आपके एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्किल के जो एक्सपर्ट्स हैं आपके मैनेज चाहिए या कोई ईबे और अमेज़न देनी चाहिए, तो कॉस्ट तो होगी हर जगह ही होगी, लेकिन अगर आप अमेज़न और ड्रॉप शिपिंग में कंपेयर कर रहे हैं सो प्रोबेबली लो रिस्क स्टार्टअप वुड बी ड्रॉप शिपिंग। अगर आप फिर जो है वो लो टिकट प्रोडक्ट्स पे जाते हैं जो कि $10 की हैं या $20 की हैं जिसमें आप कहोगे कस्टमर का रिटर्न आप भी जाकर मुझे ज़्यादा लॉस ना हो तो उसमें फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत जो है वो कम ड्रॉप शिप करना अच्छा मॉडल। एक आखिरी बात करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे तो अमेजोन ये सारी बातें होंगे लेकिन एक हमारा एक और चैनल है जहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस के लिए है और उसकी वेबसाइट है, तो वहाँ पर तमाम अफराद जरूर जाके अपने आपको apbn.com.in जो इस ग्रुप के जो आज के जो होस्ट है ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी बिजनेस और वहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिजनेस ऐड होंगे उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है फायदा ग्रुप होगा क्योंकि वहाँ से एक दूसरे को लीड होगा। सर मेरे ख्याल से अमेजोन कुछ बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, अली भाई नेक्स्ट मीटअप आपने अमेजोन पे $50 का टिकट वैल्यूएबल मीटअप हो जाएगा। अच्छा मेरे ख्याल से कंटिन्यू फर्दर कहते हैं खाना भी आगे ठंडा ना हो जाए, लेकिन मैं पहले आसिम भाई को बुलाना चाहूँगा, आसिम भाई की थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में आपको बता दो। आसिम भाई हैज बीन एन आईटी प्रोफेशनल फॉर वेरी लॉन्ग, ही हैज वर्क विद राजो ऑर्गेनाइजेशंस ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी जॉब फर्म्स के फाउंडर है, तो सिडनी आईटी जॉब्स के नाम से उनकी फाउंडेशन मैंने स्टार्ट करी है और उसमें आसिम भाई ने तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा लोगों को कोच किया, बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आपने देखा है कि लोग जो अपनी आईटी पोजीशन में बैठे हुए हैं एंड दे एक्चुअली ही हैज हेल्प्ड देम टू क्लियर द इंटरव्यूज एंड हाउ टू गेट और ये कैरियर काउंसलिंग भी करता है आईटी प्रोफेशनल्स का, तो मेरे ख्याल से आसिम भाई ने उसके बाद एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने एक लाइफ कोच की ट्रेनिंग स्टार्ट करी एंड नाउ ही इज एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग एज अ लाइफ कोच।
व्हाट इज द रीजन व्हाई डू यू नीड अ लाइफ कोच? आपको जिंदगी में लाइफ कोच की जरूरत क्यों होती है? जब आप एक कश्मकश में खड़े होते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, मेरे हालात सही है, मैं अपने घर के एक्सपेंसेस पूरे कर पाऊंगा नहीं, तो एट दैट टाइम यू फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपकी लाइफ की क्या है, वेयर आर यू स्टैंडिंग एट द मोमेंट. जब तक वो सिचुएशन आपकी क्लियर नहीं होगी ना, यू कैन नॉट सी द पाथ अहेड. तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में एक लाइफ कोच जो होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. I would like Asim bhai to join us and then tell us about what life means in the US. Acha, take a mic.